हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैदर पोल्ट्री। हैदर पोल्ट्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्म के ड्रिंकर और फीडर को कैसे सेट करें। आप लोग मार्केट से इसे खरीद करके लाते हैं और इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो इसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चिप्स ड्रिंकर को कैसे फ़िट करें। तो चिप्स ड्रिंकर को फिट करने के लिए सबसे पहले ये इतना बड़ा छोटा वाला डिब्बा आता है, इस डिब्बे में पानी यहाँ तक भर दें, और पानी भरने के बाद इसका प्लेट आता है जो कि ऐसा रहेगा, और इस प्लेट को इसके ऊपर रख दें, और इसके ऊपर रख के बढ़िया से बैठा दें, और इसे जो है ना इस तरह दोनों हाथ से पलट दें। पलटने के बाद इसका यहाँ पे ये छेदा है, यहाँ से पानी गिरता रहता है और चिक्स पीते रहता है। पीते पीते गिरते गिरते पानी जो है ना यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। और इस डिब्बे को जब बच्चा फर्स्ट वीक रह कर आता है तो इसे जो है फर्श पे ही रखा जाता है। जब बच्चा जब 1 वीक का होता है तो उसे इसका स्टेन आता है, इसके स्टेन को इस तरह पलट कर रख दें। फिर कुछ दिन उससे बड़ा होता है तो इसके स्टेन को फिर ऐसे पलट करके इसे रख दें। तो दोस्तों, बात तो हो गई कि चिक्स के ड्रिंकर को कैसे फिट किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ चिक्स के फीडर को कैसे फिट करें। तो मैं सबसे पहले इसे इधर साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ चिक्स के फीडर को कैसे सेट करें। तो चिक्स के फीडर को सेट करने के लिए इसका 3 पार्ट होता है, एक ये डिब्बा होता है, दूसरा ये इसका ढक्कन होता है, और तीसरा ये स्टिक होता है। तो अब स्टिक को हम कैसे लगाएं, तो स्टिक को सबसे पहले इसके ढक्कन के अंदर ये इसे लगाएं, ये देखिए ये इसे लगा कर फिट कर दिए, और इसके बाद में इसे यहाँ पर रख दिए, और यहाँ पर रखने के बाद फिर ये डिब्बा है, इस डिब्बे को ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दिए, और यहाँ पे जो है ना खांचा या खांचा पे बैठा दे, ताकि खांचा पे बैठेगा तो दाना, और उसके बाद इसमें आप दाना रख दे, दाना रखेंगे उसके बाद में ये खांचे से जो है ना दाना गिरेगा और चिक्स खाएगा, और इससे जो है ना इसका क्या बोलते हैं रस्सी भी आता है, और आप इसे जो है ना इसमें रस्सी लगा करके आप इसे जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, और इसे जो है ना टांग दे। तो ये तो हो गई बात चिक्स की। चलिए, मैं आपको अब बड़े वाले ड्रिंकर और फीडर की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ बड़े वाले फीडर के बारे में, बड़े वाले फीडर को कैसे सेट करें। तो दोस्तों, बड़े वाले फीडर को करने के लिए इसका 3 पार्ट होता है, एक ये इसका डिब्बा होता है, और दूसरा इसका ये ढक्कन होता है, और तीसरा ये स्टिक होता है। तो चलिए, मैं इसे अब असेंबल करके दिखाता हूँ, फिट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये ढक्कन लेंगे और इसे स्टिक में इस तरह लगा देंगे, इसे फिट कर देंगे बढ़िया से, और इसे फिट करने के बाद ये बड़ा वाले डिब्बे को जो है ना इसमें यहाँ पे डाल देंगे, और डालने के बाद ये जो है ना दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है ना खांचे में बिठा दे, ताकि जब आप इसमें दाना डालेंगे तो दाना बराबर बराबर गिरता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया फिट, और इसे फिट करने के बाद इसका एक रस्सी भी आता है, जिसे जो है ना आप यहाँ पे इस रस्सी को लगा दें और इसे आप इसे इस तरह बांध दें। तो दोस्तों, ये तो बड़ा वाला फीडर की फिटिंग हो गई। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ बड़े वाले ड्रिंकर को कैसे फिट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ड्रिंकर की, ड्रिंकर को कैसे फिट करें। मैं आपको इसके बारे में इसको फिटिंग करके बताता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला डिब्बा लेंगे, और इसमें जो है ना आप पानी भर दें या रेत भर दें। तो चलिए, मैं अब इसे कैसे फिट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये स्टिक लेता हूँ, फिर मैं इसे लेपल में लगाता हूँ। इसे लगाने के बाद इसे मैं यहाँ से बढ़िया से, ये देखिए, इसे मैं यहाँ से जो है ना बढ़िया से फिट कर दिया। फिट करने के बाद इसे मैं अब इसे साइड में रखता हूँ, और ये मैं ये लेता हूँ, और ये बड़ा वाला डिब्बा लेता हूँ। अब मैं इसे, ये जो खांचा है ना जो आप लोग देख पा रहे होंगे, इस खांचे को जो है ना इस खांचे में बढ़िया से बैठाना है। देखिए मैं कैसे बैठाता हूँ। इसे
बढ़िया से बैठा दो। ये देखिए यहाँ बैठ गया। इसे बैठाने के बाद आप जो है ना इसे इसे ले और इसे इस तरह यहाँ से बढ़िया से फिट कर ले। ये फिट होने के बाद इसकी ये पाइप आती है, इस पाइप को आपको लगाना है ऐसे। पाइप को ऐसे लगा दे, पाइप लगा दी। पाइप लगाने के बाद ये जो पाइप है जो आपका, ये मेरा ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, जो ऑटोमेटिक पानी का जो सप्लाई पाइप दिया हुआ, आप उसमें जो है ना इसे लगा दें। और इसे लगाने के बाद इसका रस्सी आता है, इस रस्सी को आप ऐसे लगा दें। रस्सी को लगाने के बाद ये जो है ना ये बैलेंस बनाने के लिए है। बैलेंस बनाने के बाद इसे जो है ना रस्सी से बांध दें, और ये जब इसमें जब पानी इस पाइप के थ्रू जो सप्लाई होगा इसमें आएगा, और जब पानी यहाँ तक ये पूरा भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब चिक्स पिएगा पानी कम होगा तो फिर ये ऑटोमेटिक पानी आने लगेगा, और फिर जब भर जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिक पानी सप्लाई बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए मैं दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।